तो गाइस हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को प्ले कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेते हैं। तो गाइस मैंने वर्ल्ड का नाम बहुत ही अच्छा सोचा है, तो वर्ल्ड का नाम हम रखेंगे हम डिफिकल्टी को हार्ड में रखेंगे और हम सीड के चेंज नहीं करेंगे और बोनस चेस्ट को इनेबल कर देते हैं। वर्ल्ड को कर लेते हैं क्रिएट। गाइस अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस डे वन, तो डे वन का गोल होगा कि हमें एक बेड बनाना पड़ेगा ताकि रात में हमें ज़ोंबीज़ के साथ ना रहना पड़े और हमारा फर्स्ट डे ही लास्ट डे बन जाए। तभी फ़िलहाल मैं वुड कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना है और एक पिकेक्स और एक एक्स बनाना है। गाइस तो वुड को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। गाइस प्लैंक्स से हम कुछ स्टिक्स बनाएंगे और एक क्राफ्टिंग टेबल। गाइस ये इन्वेंट्री में के फालतू सामान फेंक देते हैं, मुझे एक्स और पिकेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोनस चेस्ट में मुझे एक्स और एक पिकेक्स मिल गई थी। अब मुझे शीप्स को ढूंढना है ताकि मेरा डे वन का मिशन कंप्लीट हो सके। तो शीप तो दूर दूर तक किधर भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चिकन दिख गए, चले चिकन को मारते हैं। आज मैं तो स्टोन तोड़ने के लिए आया था, लेकिन लगता है स्पाइडर को मरना है। तो गाइस बहुत हो गया टाइम पास, जल्दी से स्टोन तोड़ लेता हूँ और एक कोल भी। गाइस एक स्टोन की पिकेक्स बना लेते हैं। ओ गाइस फाइनली शिप मिल चुकी है। गाइस बहुत ही ढूंढने के बाद तीन वूल कलेक्ट हो चुके हैं और इससे हम बना लेते हैं एक बेड। तो गाइस बेड बनाने के इसी के साथ ही हमारा पहला दिन का मिशन कंप्लीट होता है, तो हम इससे कुछ टॉर्चेस भी बना लेते हैं। तो गाइस रात हो चुकी है, चले सो जाते हैं। तो इधर लगाते हैं अपना बेड और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। गाइस ये डे टू, और डे टू का हमारा मिशन होगा कि हमें एक विलेज फाइंड करना होगा। गाइस ये बहुत ही तगड़ा वाला चैलेंज होने वाला है, हमें एक विलेज फाइंड करना है अभी, तो लेट्स गो गाइस। तो इधर वाटर है तो हम जल्दी से एक बोट बना लेते हैं ताकि नदी के पास से हम जाकर एक विलेज को ढूंढ सके। सो गाइस इस आइलैंड पे देखते हैं यहाँ पर विलेज है या नहीं। तो गाइस इधर तो दूर दूर तक बस जंगल ही दिख रहा है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट का ग्लिच। गाइस इस आइलैंड पर मुझे विलेज तो नहीं लेकिन खाना बहुत सारा मिल गया। गाइस मेरे पास टाइम बहुत कम था और इसलिए मैं जल्दी से विलेज ढूंढने के लिए निकल गया। सो गाइस चलिए इस लैंड पर चलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. गाइस मुझे लगता है ये विलेज हमें डे टू में नहीं मिल सकता, मुझे लगता है ये डे थ्री में हमें विलेज मिल सकता है। ओपी गाइस हमें विलेज मिल चुका है। गाइस सबसे पहले इधर से कुछ खाना कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस सेकंड डे में रात होने वाली है, तो आज हम सोएंगे विलेजर के ये वाले घर में।
पर लेकिन मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैंने डे टू में विलेज ढूंढ लिया, क्योंकि विलेज ढूंढना कोई मामूली बात नहीं होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे थ्री। डे थ्री में मैंने इस विलेजर के चेस्ट में से कुछ खाने की चीजें और एक सैडल और शूज कलेक्ट किए। तो गाइस, जो अगला गोल है उसमें मुझे घर बनाना पड़ेगा। तो घर बनाने इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, थोड़ा भी समय लग सकता है। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इसीलिए मैं आपसे मिलता हूँ घर बनाने के बाद में। सो गाइस, दिस इज डे सिक्स और गाइस मेरा घर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिए यार, वीडियो खत्म होने के लिए आ गई है। गाइस चलिए अंदर चलते हैं घर के। आज मेरे सर्वाइवल हाउस को 10 में से रेटिंग दीजिए। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो। इस अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 20 लाइक्स का टारगेट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।